सुखबीर भाई के पास आइए ऑर्डर पे दिल्ली दिल्ली में ओके उनसे कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल आपका बकायदा वो काम करके देंगे। काम भी अपन को फुल ऐसा मिला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आई, फुल फिनिशिंग में और फुल आराम से तसल्ली पूर्वक काम किया। ठीक है, एक आपका गियर नॉब हो जाता है आपका, ठीक है, कार परफ्यूम हो गया आपका, ओके, कार चार्जर हो गया आपका, ठीक है, और आपके क्लोज हो गए जो कि माइक्रोफाइबर क्लोज आते हैं वो हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका डोर गार्ड हो गया आपका, ठीक है, पांच एम्प्लीमेंट। यहाँ पे लॉक करूंगा, आपका मिरर फोल्ड हो चुका ओके। है, अनलॉक करूंगा, मिरर आपका अनफोल्ड हो चुका है, ओके, प्रॉपर आपका जेन्युइन डब्बा बैक मिरर रहेगा, जेन्युइन वायरिंग रहेगी और जेन्युइन स्विच के साथ और जेन्युइन रिले के साथ हमने भैया को इंस्टॉल करके दिया यहाँ पे। इंस्टॉल किए हैं ओके, ठीक है, डब्बा पैक ब्रांड न्यू 25,000 में बेस्ट टॉप पे हम लोग दे रहे हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मित्र ऑन व्हील्स की एक और नई वीडियो, एक और नया दिन और बहुत सारी मॉडिफिकेशन के साथ हम आ चुके हैं ऑटो हुड में। आज रहने वाली है न्यू 2024 मारुति फ्रॉन्क्स सिग्मा, बेस वेरिएंट रहने वाला भाई, सीएनजी में भी नहीं है, बिल्कुल पेट्रोल वेरिएंट रहने वाला है। गाड़ी की बात करें तो भाई गाड़ी आई है MP67, ठीक है जी, तो इतनी दूर से 700-750 वन साइडेड किलोमीटर से ये आई है गाड़ी डायरेक्ट ऑटो हुड पे सुधीर भाई के पास में, और गुना जगह से आई है ये, एमपी में जो पड़ता है वहाँ पे गुना है भाई, गुना से आई है, इतनी दूर से गाड़ी आई है सुधीर भाई के पास। तो सुधीर भाई से बात करते हैं गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन करी है, सारी चीज़ें करी हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, DRL वगैरह है, अलॉयज हैं, सब कुछ है, सब कुछ ही कर दिया सुधीर भाई ने, तो सुधीर भाई पे चलते हैं। तो भाई सुधीर भाई हमारे साथ में है, MP67 गुना से गाड़ी आई है, तो सुधीर भाई से बात करते हैं कैसा काम करा है। तो बताएं सुधीर भाई कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास, आप कैसे? बढ़िया। हाँ जी, ऑटो हुड पे आए तो फर्स्ट क्लास तो काम होना ही है। वो तो होना ही भैया, बिल्कुल जी। तो सेम पिछली वीडियो की तरह ही शॉर्ट वीडियो लेकिन डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। हाँ जी, और कस्टमर हाँ रिव्यू तो जरूर लेंगे ही लेंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो बिल्कुल। बात करते हैं सिग्मा वेरिएंट की कि भाई हमने इस गाड़ी में क्या काम कर दिया है। हाँ जी भैया, सबसे पहले बात करें थोड़ी इसकी स्टोरी की, आपको पीछे की स्टोरी बताता हूँ पहले, ठीक है? ठीक है। कि जो भैया हमें 6 महीने के आसपास से लगभग फॉलो कर रहे थे, मतलब ये था कि गाड़ी में भैया ने कुछ भी काम नहीं कराया, मतलब भैया ने इतना मेरे को बुला के आने के बाद कि 6 महीने मैंने गाड़ी ऐसी रखी इसलिए क्योंकि फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था आपके आने के लिए, इसलिए मैं कुछ भी काम नहीं कराया। ठीक है। काम जो कराना था मेरे को ऑटो से कराना था, आपके पास ही कराना था। ठीक है। तो स्पेशली भी हमारे पास आए हैं, फ्लोरिंग हुई है मैंने जहाँ तक देखा इसमें। हाँ, है ना? इसमें भी ना सीट कोर्स भी लगवाए हुए थे ऐसे देखिए। अच्छा, वो नियर बाय किसी भाई ने इसके भैया ने जो सीट को लगवाए थे वो, ठीक है, वो किसी और गाड़ी के लगा दिए, उसके थे ही नहीं, जबरदस्ती करके लगा दिए, फिर हमने उसको हटा के फिर नए सीट कोर्स लगाए हैं। ठीक है। और भी बहुत ज्यादा चेंजेस किए, तो बिना देर के हम लोग गाड़ी वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे प्रॉपर जो कि टॉप मॉडल की DRL आती है ISQ वाली, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। ओके। 5 ईयर की वारंटी मिलने वाली है प्रॉपरली आपको, सारी फिटिंग आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे भैया ने कह रहा हेडलाइट में LED वहीं से लगवा ली थी क्योंकि भैया को रोशनी काफी कम लगती थी, हम लोग इंस्टॉल कर देते लेकिन ये था कि भैया को 6 महीने गाड़ी चलानी थी, इस वजह से भैया यहाँ पे LED नियर बाय से इंस्टॉल करवा ली। ठीक है। तो ये फ्रंट प्रोफाइल हमने आपकी ये गार्निश जो होती है इसको हम लोग फ्रंट बम्पर गार्निश बोलते हैं, जो कि आपकी मैट ब्लैक विद आपकी रेड आपकी स्टिचिंग आप देखने को मिल जाती है। बिल्कुल। फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। बाकी इसमें आप ऑप्शन मिल जाता है आपको ग्रिल का, पियानो बैक ग्रिल का। ओके। वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आप अपने गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गई फ्रंट से बात, साइड प्रोफाइल से बात करते हैं। फ्रंट में सुधीर भाई मेन चीज तो यही है भाई। हाँ, मेन मतलब कि ये जो बॉक्सेस है ना क्यूट से जी, ये लगने होने चाहिए बस गाड़ी में। हाँ जी, मतलब फ्रंट से तो लुक, मतलब इसको देखने के बाद ना मस्कुलर लुक हो जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लगती नहीं कि एक सिंपल गाड़ी है, इसको लगने के बाद लगती है कि तो लग्जरी गाड़ी फील हो जाती है। बिल्कुल, प्रीमियमनेस फील होती है भैया। ठीक है जी। जी, साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो हाँ, ना कुछ बोलते हुए दिख ही रहा है। हाँ जी, ठीक यहाँ है। यहाँ पे हमने भैया प्रॉपरली डायमंड कट अलॉय इंस्टॉल किए हैं। ओके। ठीक है। डब्बा पैक ब्रांड न्यू। अच्छा, मतलब ये थोड़ा भैया के अंदर भी कंफ्यूजन था कि हम लोग प्राइसिंग में इसकी बताता हूँ आपको, 25,000 में बेस्ट टॉप पे हम लोग दे रहे हैं,
तो भैया थोड़ा ये कन्फ्यूजन थी कि भैया ये स्क्रैच लगा हुआ ना मिल जाए मेरे को या उतरा हुआ ना मिले, तो उस चीज़ को मैंने डाउट भैया के सामने ही क्लियर किया। भैया के सामने मैंने खोला, मैंने सामने भैया के आया, भैया के सामने मैंने खोला, जब इसकी अनबॉक्सिंग हुई तो भैया को तसल्ली हो गई कि भाई हाँ भाई मेरे को चीज़ मिल रही है, जेन्युइन मिल रही है, मतलब एक माइनर स्क्रैच भी नहीं होगा आपको, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल देख रहे हैं प्रॉपर माइनर, मतलब एक माइनर स्क्रैच भी आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा आपको, और प्रॉपर शाइनिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। और हमने यहाँ पे कैप भी इंस्टॉल करके दिए भैया। ओके ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं व्हील आर्क नहीं लगाया आपने, व्हील आर्क यहाँ पे नहीं लगाया हमने भैया को। ठीक है, अगर ऑप्शन आपको मिल जाता है वो करा सकते हैं, बाकी इसमें जो ब्रेक जो कैलिबर है वो आप अपनी गाड़ी में रेड भी करवा सकते हैं, रेड भी करवा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है, इसके साथ देख सकते हैं हमने ये लगाया जी ड्राइव का। हाँ, ये जी ड्राइव का इंडिकेटर एलिमेंट हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, हल्का सा थोड़ा चेंजेस है। प्राइमर का है जी, ये प्राइमर है तो कोई कहती वॉशिंग जो भी साफ हो जाएगा। ओके, तो ये गाड़ी भी धुली नहीं है ना। ओके, ये देखो क्लीन हो गया, ये अभी गाड़ी धुली नहीं ना, टाइम था नहीं कि हम गाड़ी वॉश कराए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, लेकिन ये है कि भाई ये चीज जो है आपकी बेस वेरिएंट की बातचीत को खत्म कर देगा, मतलब ये लगने के बाद तो कोई कहेगा नहीं बेस वेरिएंट नहीं है। ठीक है, बेस वेरिएंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देख पा रहे हैं कि भाई साहब आपने यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो सुधीर भाई, बिल्कुल ही गाड़ी में कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ा भैया, बाकी इसमें आपको दिखाया था टॉप मॉडल के हमने मिरर इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉक करूंगा, आपका मिरर फोल्ड हो चुका okay. है। अनलॉक करूंगा, मिरर आपका अनफोल्ड हो चुका है। ओके okay. प्रॉपर आपका जेन्युइन डब्बा बैक मिरर रहेगा, जेन्युइन वायरिंग रहेगी और जेन्युइन स्विच के साथ और जेन्युइन रिले के साथ हमने भैया को इंस्टॉल करके दिया यहाँ पे। बहुत जी बढ़िया जी बढ़िया। बाकी यहाँ पे ये फ्लिप की भी सेटअप की हमने करके दिया भैया को। ओके, कुछ आपकी फ्लिप की रहेगी प्रॉपरली, आपको सुजुकी का लोगो आगे पीछे देखने को मिल जाता है। बिल्कुल, बाकी कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, इस तरीके से आपकी इजिली बाहर आ जाती है। ठीक है जी। ठीक है, इसके बाद आगे बात मेरा हो गया और भैया ने क्या डोरवाजा कंपनी से लगवा लिए थे। ओके ठीक है, बाकी हमने इसमें इंस्टॉल किया है वो आपकी लोअर विंडो का नीचे भी आफ्टर मार्केट रहने मार्केट रहेगी भैया, लेकिन वारंटी आपको इसकी भी मिलने वाली है आपको। ठीक है, ठीक है। कितने टाइम की वारंटी रहेगी जी? इसकी 2 साल की वारंटी आती है। किस चीज की वारंटी कवर होती है? काले पड़ने की भैया, मेन तो क्रोम आइटम की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है वो काले पड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, हमारे पास बोली मतलब गुड क्वालिटी है तो काला पड़ेगा। हाँ, क्वालिटी अच्छी लगेगी तो काला पड़ता है। इसके साथ में एक चीज और बात कर लेते हैं, रूफ रेल अगर आपको पियानो ब्लैक करवानी तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप सिल्वर वाली जो आती है वो भी लगवा सकते हैं, वो भी हमारे पास। और अपना अगर आपको ज्यादा स्पोर्टी लुक बनाना है गाड़ी को तो आप अपना रूफ भी ब्लैक करवा सकते हैं। बाकी उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भैया इसके लिए, लेकिन भैया आपको चुप पूरा 24 घंटे का टाइम लगेगा, मैं क्लियर आगे चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग आपका पेंट होता है या तो डिपिंग वर्क होता है हम लोग वो करवाते हैं, तो उसमें सूखने में टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर आए तो टाइम निकाल के। अच्छा, अगर आपने क्लियर कर दिया वाली बात। हाँ, मैं क्लियर कर दिया। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब मोटा मोटा है कि इसके लिए आपको टाइम निकाल के आना पड़ेगा जी। हाँ, पूरा मतलब आ जाए तो आपको कल मिलेगा ये। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, ये चीज है भैया। और इसके बाद आगे बात करते हैं नीचे की बात। क्रोम हैंडल भी कंपनी से लगवा लिए थे। ओके ठीक है, और साइड विंडिंग भी कंपनी से लगवा ली थी। ठीक है, ये भी कंपनी। ठीक है, मड फ्लैप भी कंपनी से लगे हुए हैं इसके अंदर। रियर प्रोफाइल की बात करें। हाँ, रियर प्रोफाइल दिखाए थे। ओके, तो जी रियल प्रोफाइल में सबसे पहले हम ये देख सकते हैं भाई, आपने ये इंस्टॉल आपने करा है ना? नहीं, ये भी हमने नहीं किया। अच्छा, ये भी नहीं किया। ये कंपनी से लगवाया था। ये भी कंपनी से, ये भी ना कंपनी से लगवा लिया था। ठीक है, ठीक है, हमने इसके साथ रियर में हमने रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। ठीक है जी, थ्री मोड वाला रहेगा। हाँ, थ्री मोड वाला रिफ्लेक्टर रहेगा, ब्रेक पार्किंग प्लस इंडिकेटर। ब्रेक पार्किंग प्लस इंडिकेटर, ठीक है, गुड है। और यहाँ पे डिग्गी क्रोम हमने लगाई है। ठीक है, आपकी जेन्युइन रहेगी आपकी। ओके ठीक है, ये हो गया। और बाकी इसमें टेल लाइट का सेटअप भैया थोड़ा भी नहीं बन पाया। ठीक है जी, इसमें सब एक ही कमी मेरे को लगी, वो सिर्फ टेल लाइट की थी। सिर्फ वो ये था कि भैया कह रहे थे मैं 2 महीने बाद दोबारा आऊंगा तो मैं जरूर लगाऊंगा इसको। ओके ओके, हाँ जी, ठीक है जी। तो रियर प्रोफाइल में हमने कैमरा इंस्टॉल कराया जी। हाँ, कैमरा लगाया है वो। ठीक है, एक बार कैमरा की प्लेसमेंट दिखा देते। ओके, तो भाई बिल्कुल छुपा दिया सुधीर भाई ने जी। ओके, बढ़िया कर दिया। और ये अपना मूविंग गाइडलाइन के साथ रहेगा सुधीर भाई। हाँ, एएसडी रहेगा, मूविंग गाइडलाइन प्लस नाइट विजन। ओके, देख सकते भाई कितना क्लोजली मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, और ये है कौन सी कंपनी का? एडिशन ब्रांड का। एडिशन ब्रांड का, हाँ जी। ओके, ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे मेंशन दिख रही है। ओके, इसके बाद इंटीरियर की बात करें। हाँ, इंटीरियर दिखाए थे। ठीक है जी, तो इंटीरियर की बात कर लेते हैं। सुधीर भाई हमेशा की तरह भूल गए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें डैम्पिंग हुई है। हाँ, मेरे को याद है, मेरे सामने हो रही थी, तो आप देख सकते हो साउंड का डिफरेंस। इसके बाद इंटीरियर में बात करते हैं, इंटीरियर में क्या काम हुआ है आप देख सकते हो भाई साहब। ओके भाई, खतरनाक खतरनाक काम हुआ भाई, बिल्कुल एंडलेस। ठीक है जी जी, तो देख लेते हैं एक बारी। ये हमने इंस्टॉल करा है ना? हाँ, वेलकम लाइट हमने इंस्टॉल करी है। सुधीर भाई की एक चीज़ बड़ी खासियत लगती है, ये ब्लैक और जो ब्लू वाली आती है वो नहीं करते, ये वाली करते हैं जी। ठीक है, जो कि बहुत प्रीमियम लुक देती है, ये मतलब आंखों में चुभती नहीं है, जब डोर खोलोगे ना अच्छी प्रीमियमनेस फील होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लग भी बहुत खूबसूरत सी लगती है, मतलब ना हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी की प्रेजेंस जो है ना काफी ज्यादा अल्टीमेट हो जाती है वाली देखने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और बताएं और क्या करा गाड़ी में? और भैया डोर्स में देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि डोर्स देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है,
कितने सुंदर भाई, देख रहे हो। एक चीज हो रहा है आज, मेरे को लग रहा है ये चीज एक और हमने नहीं करी है इसमें। हाँ जी, इसमें जो हमने ये ट्रिपल लेयर्स की जो ये व्हाइट स्टिचिंग करी है ना, ये हाँ काफी इनहेंस कर रही है लुक को, क्रीम कलर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखो आपको बिल्कुल सारी फिनिशिंग एंड टू एंड, एज टू एज और सॉफ्ट टच के साथ में यहाँ पे लेदर राइड कर दिया सुधीर भाई ने। एम्बिएंट लाइट की थोड़ी सी कमी लग रही है इस गाड़ी में, एल्स ओवरऑल परफेक्ट। प्लस यहाँ पे जो है हमने डोर हैंडल भी, इनर हैंडल डोर भी कर दिए हैं यहाँ पे, पूरा कंप्लीट हुआ है। और स्टाइलिंग इट भी चेंज हुई है ब्लैक वाली। तो और बात करते हैं तो भाई फ्लोरिंग तो है सर ने कहीं और से करवाई थी, फ्लोरिंग और मैट भी कमरे से, मैट तो कमरे से लिए थे, फ्लोरिंग जो है नियर बाय जहाँ सीट को लगवाए थे वहाँ से लगवाए थे, वहाँ से करवाया। फ्लोरिंग में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने कहा पहले ऑलरेडी मैंने पैसे लग चुके हैं, डबल डबल पैसे लगाना अच्छा लगता। बिल्कुल। और अगर हम पीछे की बात करें तो भाई सुधीर भाई से तो बढ़िया कोई काम कर ही नहीं सकता फ्रॉन्क्स में भाई साहब। आप देख सकते हो सीट कवर कितना क्लोज दिखाऊं, आप ये बताओ मेरे को, देखो कितना क्लोज, ये देखो कितना क्लोज स्टिचिंग ए टू जेड। भाई सुधीर भाई इनको ना हमारे व्यूअर्स को दिखाना बहुत जरूरी है ये स्टिचिंग, बिल्कुल, क्योंकि यार ये तो घर से देख रहे हैं और आपके पास आएंगे तो आपको फिर ये आप फिजिकली एकदम दिखा नहीं सकते, लेकिन वीडियो के थ्रू ही दिखा सकते हो। हाँ हाँ। तो इसलिए इनको स्टिचिंग दिखनी बिल्कुल जरूरी है। और ये देखो भाई कोने कोने की भी बात कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो ये सुधीर भाई ने कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए, क्योंकि ये बढ़िया वाला अगर आप इंटीरियर करवा रहे हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नेकलेस तो बनता है। प्लस ये भी कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया आपने। हाँ, दो नेकलेस और दो पिलो, दो पिलो भी दे दिए। चलो ठीक है, आपकी सहूलियत और आपके आराम के लिए ये भी काम कर दिया सुधीर भाई। बिल्कुल भैया, बड़ा लो फील कर रहे हैं क्या बात है सुधीर भाई? लो नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा दिन से काम कर रहा हूँ ना, आज मैं अकेला था, बात ठीक है। ठीक है, टायर्ड हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आज हम बोल लेंगे। और पीछे भी देख सकते हो कोई कमी नहीं छोड़ी भाई, पीछे भी सेम पैटर्न जो है कंसिस्टेंटली आपने मेंटेन करके रखा है। और साथ में डोर पैनल्स जो है आपने ग्लिटर्स वाले जो आपके जनरल रहेंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, आपने शाइनिंग वाले, राइट जी, बहुत अल्टीमेट कर दिया आपने। ठीक है, आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट लगाया भी हमने इसके अंदर आपका, और साथ ही हमने इसके अंदर रियर एसी की वर्किंग भी कंप्लीट की है। ओके ठीक है, और मतलब ये क्या होता है कि मतलब ये जो काम होता है ना ये प्रोफेशनली आप करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीटली मतलब सब कुछ खुलता है, फिर दोबारा पैक होता है, तो भाई मतलब जो कंपनी तरह से जो पैक होता है वैसे पैक करना भाई हर किसी के बस की बात होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा काम झावे भी करा, बढ़िया जगह कराए, ठीक है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। इसमें सीट को अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, आप ये रिकमेंड ना करो जहां भी काम कराओ बढ़िया कराओ, जहां भी काम कराना है जी नहीं कराना, सिर्फ सुधीर भाई भी काम करवाना है भाई, क्योंकि सुधीर भाई ऐसी क्वालिटी देते हैं भाई, क्योंकि भाई हमें तो पता ही है मार्केट का यार। हाँ जी भैया, बिल्कुल भैया, ये आपको पता ही है। बाकी मैं आपको पहले ना सीट कोच की मैं क्वालिटी आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये हमारे जो रहेंगे, हमने नई क्वालिटी इंट्रोड्यूस की है इसके अंदर हमने, ठीक है, ये भैया को हमने लगा के दिया है। ये जो रहेगा आपका इम्पोर्टेड लेदर के अंदर रहेगा भैया, ठीक है। हम लोग जो पहले अभी यूज करते थे वो आपका इंडियन लेदर हम लोग यूज करते थे, साका लेमिनेशन। अब हमने जो यूज करना चालू किया है अभी, हाँ भाई लेटेस्ट ही आया हमारे पास, ये आपका इम्पोर्टेड लेदर होता है, ठीक है। इसमें मतलब आप इसको मतलब स्क्रैच भी करोगे ना, चाबी से घिसोगे भी ना इसको ना, ठीक है जी, तो भी आपका पपड़ी नहीं छोड़ेगा आपका, ठीक है। वारंटी रहेगी, वारंटी लाइफ टाइम रहेगी भैया, कंफर्टेबल रहेगा। कौन सी कंपनी बताई आपने? ये आपका इम्पोर्टेड लेदर होता है, मेड इन थाईलैंड कपड़ा होता है, इम्पोर्टेड। ओके ओके ओके, वो नाका साका वगैरह सब कुछ पीछे छोड़ दिया इस कपड़े ने। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया हमने, अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, थोड़ा सा रनिंग करते हैं, इसकी क्वालिटी देखते हैं किस तरह से। खैर क्वालिटी तो हमने टेस्ट कर ली थी ऑलरेडी, आपकी क्वालिटी टेस्ट कर दूं थोड़ी सी? हाँ कर लीजिए। अच्छा जी, तो ये हाइट एडजस्टमेंट सीट्स कोई लगा नहीं रहा है, आप भी नहीं लगा रहे क्या? नहीं, आ चुकी है हमारे पास। ओके, हम कर दिया स्टार्ट, हमने काम कर, सीटें आ चुकी है अभी, जो भैया काम करा के गए हैं हमसे, जिन्होंने बोल के गए थे कि सीट आए तो हमें कॉल बैक जरूर करना, तो हमने एक दो लोगों को हमने कॉल कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ही हमारे पास आएंगे हम लोग उनकी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको फीडबैक देंगे कैसा रहा, क्या एक्सपेंस रहा उसका, और क्या क्वालिटी और किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल करके दिया है, ठीक है। आईआरवीएम की बात करते तो आईआरवीएम में हमने कुछ करा है? ये आईआरवीएम भी हमारे पास अवेलेबल है, अगर किसी भाई को टॉप मॉडल का आईआरवीएम चाहिए, ऑटो ऑटो वाला आपका, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं। रूफलाइट यहाँ पे मैंने नहीं कराई, रूफलाइट भी अपने गाड़ी में इंस्टॉल करा सकते हैं। सनसेट जो कि लाइट वाला सनसेट जो आपका आता है लाइट वाला विद मिरर, वो भी आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी हमने खैर नहीं करवाया है। ओके ठीक है, और इसमें स्पीकर और कंपोनेंट्स वगैरह बताएं जरा, कंपोनेंट को। ये था कि भैया को जो साउंड था जो चाहिए था वो थोड़ा सा मतलब मिड रेंज मतलब नॉर्मल साउंड चाहिए था, क्योंकि लाउडली साउंड नहीं सुनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने भैया को हमने रिकमेंड किया JBL के चारों को एक्सल हमने लगा के दिए, इसमें कंपोनेंट नहीं लगाया, क्योंकि भैया बता रहे मैं सत्संग वगैरह ज्यादा सुनता हूँ, मतलब लाइट साउंड हम लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि मतलब कस्टमर आए हैं दूसरे मतलब इतना बजट लेके आए तो उसको जो मर्जी पेल दो, ऐसा सिस्टम नहीं है,
मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने सारी चीजें मेंटेन कर दी। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको, टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको मैं सारी चीजें देता हूँ आपको। मतलब ये नहीं है कि भी आप ये लगा लो बढ़िया लगेगा, बजट के बहुत सारी चीजें होती है, 10,000 का भी आता है, 15,000 का भी आता है, 20 का भी आता है, सब क्वालिटी आती है जी। तो भाई आप देख सकते हो भाई ने छोटी छोटी जगह, मतलब छोटी छोटी जगह, मतलब हर जगह, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया, सारी चीजें इन्होंने जो करी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे भाई ने एसी वेंट भी करे हैं। हाँ जी ठीक है जी। तो ये ऑटो हुड पे आए हैं तो भाई ये छोटी छोटी चीजें, प्रोफेशनलिज्म वाली चीजें आपको देखने को आराम से मिलनी है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर भाई ने स्टीयरिंग कवर जो है यहाँ पे स्टिच कर दिया है। स्टीयरिंग में भी कुछ करा हमने, स्टीयरिंग चेंज किया हमने यहाँ पे एग्जैक्टली, जो कि प्रॉपरली टॉप मोड का रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड के बटन आपको प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाते हैं भैया। ओके दिखाएं एक बार। हाँ मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं आपको अप कर रहा हूं, साउंड प्लस ठीक है, माइनस परफेक्ट ठीक है, बाकी नेक्स्ट प्रीवियस वो सब आपको मिलेगा, म्यूट का ऑप्शन भी प्रॉपर वर्किंग मिलेगा, कॉलिंग उठाना काटना और सब कुछ आपको इसमें प्रॉपरली वर्क मिलेगा। okay. और यहाँ पे यहाँ तक कि जो लाइटिंग वगैरह सेटअप जो है वो भी आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप, देख सकते हो आप। गॉट गॉट ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, स्क्रीन पे भी देख लीजिए क्योंकि वाइट हो रखी है, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ये डिम हो जाती है आपकी। ओके ओके ओके, मतलब ये डिस्प्ले मीटर सब कुछ आपका एक पॉइंट में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर दिन में आप चला रहे हैं तो कुछ आपको इस तरीके का आपको व्यू भी देखने को मिल जाता है। वेरी गुड, जैसे आप रात में पहुंचेंगे एक फर्स्ट पॉइंट ऑन करेंगे वैसे आपको सारी लाइटें डिम हो जाएगी, ताकि और यहाँ पे आपको जो है कंट्रोल्स पे लाइट मिल जाएगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी हाँ जी, किसी भी तरह की। हाँ जी हाँ जी, और बाकी सारा काम भाई ने बता दिया, जैसे कि देख सकते हैं यूएसबी भी भाई ने करी है। ठीक है हाँ जी, फ्रंट यूएसबी लगाई है, फ्रंट यूएसबी लगाई है। रियर में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हम आपको दिखाना भूल गए, तो रियर में भी हमने यूएसबी लगाई है जी। रियर में यूएसबी लगाई भी हमने इसके अंदर। ओके, इसमें हमने आपकी आर्मरेस्ट लगाया और रियर एसी की वर्किंग हमने ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हो भाई रियर एसी यहाँ पे वर्किंग कर दी है सुधीर भाई ने जी। ठीक है जी, और बाकी ओवरऑल गाड़ी का काम बड़ा अल्टीमेट कर ली है। और ये चीजें आपको ऑटो हुड में मिलने वाली है जी। और ऑटो हुड भाई, ऑटो हुड भाई कॉम्प्लीमेंट्री बता दो हमारा भाई अगली। हाँ कॉम्प्लीमेंट्री बता देते हैं भैया, जैसे कि अभी हम लोग 5 आइटम कॉम्प्लीमेंट्रीज दे रहे हैं। ठीक है, एक आपका गियर नॉब हो जाता है आपका, ठीक है, कार परफ्यूम हो गया आपका, ओके, कार चार्जर हो गया आपका, ठीक है, और आपके क्लोज हो गए जो कि माइक्रोफाइबर क्लोज आते हैं वो हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका डोर गार्ड हो गया आपका। ठीक है, 5 एम्प्लीमेंट गियर नॉब बता दिया। हाँ गियर नॉब स्टार्टिंग में बता दिया। ओके ओके, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री लगाया गियर नॉब, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छी चीजें लगती है भाई ये। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री होता है थोड़ा थोड़ा प्यार हमारे तरफ से। हाँ मतलब देखो यार, पता क्या होता है कि जब आप दूर से आते हैं और स्पेशली जब वीडियोस देख के जो लोग आते हैं ना जी, हमें जी, भी अच्छा लगता है कि यार लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, हमें फॉलोअप कर रहे हैं। आज तो हमारे पास जो भैया आए थे वो दुबई से, एक भैया आए थे हमारे पास, okay. वो दुबई से हमारे वीडियोस देखते थे। Very good. फिर वो यहाँ पे आए, उन्होंने गाड़ी ली, फिर हमारे पास मॉडिफाई कराने के लिए आए थे। okay. बता रहे भैया आपकी, मैं वीडियोस में दुबई में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ से आपकी वीडियोस देखता हूँ। ठीक है ठीक है, तो मैं स्पेशली काम कराने के लिए छुट्टी लेके आपके पास काम कराने के लिए आया हूँ। ठीक है ठीक है, उनका रिव्यू नहीं डाल पाए क्योंकि वो काम करा के पहले चले गए। दुबई में थोड़ी गाड़ी चलाते होंगे वो, इंडिया में चलाते हैं ना, इंडिया में है तो यार, जब आते होंगे तो ठीक है, जब इंडिया में आते होंगे तो भाई गाड़ी तो एकदम आलीशान हर किसी को चाहिए ही होती है जी। बाकी ओवरऑल आप अपना ये रूफ भी करवा सकते हो, मतलब मर्जी आपकी, जो जो आप एक्सटर्नल आप ये भी आप करवा सकते हो, ये भी लेदर राइट हो सकता है वैसे। हाँ लेदर राइट हो सकता है, अगर हम ऐसा काम यहाँ पर भी कर दे हो जाएगा तो काफी अच्छा ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ये पीढ़ी पिलर्स हो जाएंगे पीछे के, ऐसा काम भी अगर भाई कोई आप आते हो ना तो ऐसा भी करके दिखाएंगे हम। हाँ 6 के 6 पिलर हो जाएंगे आपको, रूफ का कलर चेंज कराना वो भी आप करा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ठीक है जी, तो एक बार कस्टमर रिव्यू ले लें जी। हाँ कस्टमर रिव्यू से एक रिवर्स कवर दिखाया था आपको मैं। अच्छा जी, बोलिए हम तो क्वालिटी दिखा देते हैं। ठीक है जी, रियल। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हमने ये तो दिखा दिया भाई, और अब एक बारी कस्टमर रिव्यू लेते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, उनसे बिल्कुल, बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल, चलो भाई अब कस्टमर रिव्यू जरूर देख कर जाना है, और आपको ऐसे एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छा है या बुरा है वो तो कस्टमर बताएंगे। ठीक है जी जी, ओके। हर ओनर्स का जो है रिव्यू लेना तो जरूरी है ये, क्योंकि ऑटो हुड पे आए हैं तो ऐसे तो हम जाने देते नहीं। ठीक है, एल्स अगर जल्दबाजी ना हो रही हो किसी कस्टमर को घर जाने की, तो सर आए हैं तो सर से बात करते हैं, इतनी दूर से आए हैं MP67। तो सर क्या नाम रहेगा आपका? जी मेरा नाम अरविंद विश्वकर्मा। थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा सर। सर मेरा नाम अरविंद विश्वकर्मा जी है। ठीक है विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बढ़िया जी, तो सर आपका नाम क्या रहेगा? संतोष विश्वकर्मा जी। संतोष जी, और सर आपका? सर अच्छा जी, तो सर आप सब कैसे हैं बताएं आप? बढ़िया। और गाड़ी का काम करवा लिया, संतुष्टि है एकदम? बिल्कुल। ठीक अच्छा है जी, काम किया भैया, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम। तो विश्वकर्मा साहब आप बताएं कैसे पता लगा जी सुधीर भाई जो हैं ऑटो हुड में काम करते हैं आलीशान जैसा?
बिल्कुल, हमने इनको काफ़ी दिन पहले से हमने YouTube पे फॉलो कर रखा था इनको। ठीक है। इनकी वीडियो जो डलती थी बिल्कुल देखते थे वो। अच्छा जी। उसी आधार पे वो इनको हमने फॉलो किया और जब गाड़ी ली तो बिल्कुल प्लान बनाया, गाड़ी का काम करवाएंगे तो बिल्कुल ऑटो उठ भी जाएंगे सुधीर भाई के पास। अच्छा बिल्कुल जी, हाँ ओके जी। तो गाड़ी का काम जैसा वीडियोस में दिखा रहे थे ये तो वैसा ही काम कर रहा? बिल्कुल जायज, वही का वही बिल्कुल काम। ठीक है जी। और बढ़िया एकदम, मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा मन में कि इतनी दूर से मैं चलकर आ गया और काम में मजा नहीं आया? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भाई का व्यवहार भी बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ, और आपका भी बहुत बढ़िया व्यवहार है। जी धन्यवाद जी। और काम भी अपन को फुल ऐसा मिला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आई, फुल फिनिशिंग में और फुल आराम से तसल्ली पूर्वक काम किया। ठीक है ठीक है। तो जितना आपने पैसा लगाया वो संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुशी खुशी एकदम बिल्कुल जाय। ठीक है। तो ये जो लोग हमारे देख रहे हैं वीडियोस को, आप चाहोगे कि ये भी काम करवाने आए अपने गाड़ी का? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कोई फ्रोंस लेने का विचार बना रहा है या जिसके पास है, ठीक है, तो बिल्कुल सुधीर भाई के पास आइए ऑटो वोट पे दिल्ली में। ओके। उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, बिल्कुल आपका बकायदा वो काम करके देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अपना बढ़िया हो गया सिस्टम है ना? बढ़िया। और सीट कवर्स की जो कंफर्ट है वो सारा बढ़िया? बिल्कुल, जो की तो बिल्कुल कंफर्ट। ठीक है। वारंटी कार्ड वगैरह सारे मिल गए आपको? बिल्कुल। और पैसों में रियायत करी थी बिल में? काफी काफी काफी। अच्छा काफी। फिर एक चीज और पूछ लेते हैं, शायद मैं भूलने वाला था, कॉम्प्लीमेंट्री जो गिफ्ट मिलते हैं वो दे दिए थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दिए। अच्छा अच्छा, ऐसा तो नहीं कि भैया आज नहीं है अगली बार ही ले लेना? नहीं नहीं। ठीक है। तो सुधीर भाई खुश हैं आप? भैया काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले भैया मेरे को भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है। मतलब शान से हुआ कि भैया थे आए हमारे पास, और भैया जब आए हमारे पास तो भैया ने एक चीज़ बोली, किसी भाई आप पे बहुत भरोसा करके आए हैं, तो मैंने भैया को एक चीज़ बोली, भैया आपका भरोसा बिल्कुल हम लोग बनाए रखेंगे और चीज़ आपको ऐसी देंगे कि आप चार लोगों को और हमारे पास भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही काम होना चाहिए सर। और विश्वकर्मा साहब बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन आप कितनी दूर से आए हैं जरा आइडिया देंगे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को? हमारे को एक साइड से पड़ा है 750 किलोमीटर। अच्छा जी। तो मतलब देखा जाए तो 1500 किलोमीटर आपको ड्राइव करना है आना जाना? आना जाना। ठीक है। तो आपको अपने एरिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो आपको ऐसी नौबत क्या आई कि आपको 1500 किलोमीटर आने जाने का आपको ट्रैवल करना पड़ा? क्या गुना में आपके एमपी में ये काम नहीं होता? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये काम वहाँ पर नहीं होता। अच्छा अच्छा। बिल्कुल अच्छा। नहीं होता, जो आप बता रहे हैं जो क्वालिटी आपने दी है उसके बारे में बिल्कुल काम नहीं होता। ठीक है। तो ये अगर बेस वेरियंट है जी, ठीक है, हमने इसमें बहुत सारा काम कर दिया जी, ठीक है, कितना पैसा आपने बचा लिया होगा? मतलब अगर आप ऊपर का मॉडल लेते करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए। इतना बच गया? बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 लाख लगाने के बाद भी? बाद भी बिल्कुल। एक 1.5 लाख रुपए आपने लगा दिया होगा गाड़ी में जैसे कि काम हुआ? काम हुआ। तो उसके ऊपर भी आपने 2 लाख रुपए बचा लिए लगभग? बिल्कुल। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है, और आपने बहुत अच्छे से संतुष्टि से बहुत आराम से बताया हमारे व्यूअर्स को। तो मैं भी विश करता हूँ आप आगे चल के बहुत सारी लाइफ में तरक्की करें और बहुत सारी गाड़ियाँ लेते रहें और ऑटो हुड पे आते रहें। बिल्कुल। और इसी बहाने आप दिल्ली भी आएंगे तो हमसे भी मिल लिया करेंगे जी। बिल्कुल। ठीक है जी। जैसे कि अब मेरी गाड़ी थी तो हमारे पास एक अल्फा वेरिएंट भी आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तब ये अल्फा वेरिएंट देखी हुई यार? बिल्कुल देखी हुई। आपने वो गाड़ी देखो और अपनी गाड़ी देखो, सेम टू सेम लग रही है भाई। सेम लग रही है। जी जी बिल्कुल, बस एक थोड़ा सा मार खा गया काम। टेल लाइट का काम खा गया। मैंने आपके नेक्स्ट टाइम फिर लगवाएंगे, फिर आएंगे 2-3 महीने बाद हमारा टूर लगेगा तो वो पक्के में लगवाने आएंगे। बिल्कुल। बाकी काम रह गया तो वो इनसे करवा के जरूर जाना है। ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। और 10 में से अगर थोड़ी सी इनके लिए पूछ लें, इनके लिए नहीं लेकिन इनके काम के लिए जो इन्होंने काम करा सुबह से लेके शाम तक का, तो 10 में से क्या रेटिंग देना चाहोगे आप? 10 में से इनको 99 नंबर देंगे और 1 नंबर इसलिए काटेंगे कि थोड़ा लेट कर दिया भाई ने। अच्छा, बस अच्छा, लेट किया बस उसके लिए। बस उसके लिए नहीं, तो काम बढ़िया किया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा टाइम लगा है ना जी, लेकिन बार बार आना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, बार बार परेशानी नहीं आनी पड़ेगी, एक बार ही हो तसल्ली से हो जी, है ना जी। बिल्कुल। तो एंड करें वीडियो जी? बिल्कुल। अच्छा लगा बात करके जी? नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। ऐसा ही अच्छा सा रिव्यू रिस्पॉन्स अगर आपको भी चाहिए तो ऑटो हुड में तो भाई आना पड़ेगा सुधीर भाई के पास में। डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भाई से बात करो, अपनी फ्रॉन्क्स लेकर आओ और काम करवाओ। तो भाई गाड़ी आराम से चलानी है, सेफ ड्राइव। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। टेक केयर। ओके गाइस।